तो हेलो भाई, मैं फिलहाल एक नए भाई के साथ। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम कोई डिलीट किया हुआ फोल्डर या फाइल या डॉक्यूमेंट, तीनों में से कोई भी डिलीट कर दिए तो उसको रिस्टोर कैसे करेंगे लैपटॉप पीसी या फिर कंप्यूटर में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको समझाने के लिए पहले मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो मेरे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ 3-4 बार। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, या मुझे लेफ्ट बटन जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना, वैसे मुझे एक फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए लेफ्ट बटन राइट बटन को क्लिक करके, यहाँ न्यू का ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक कर देना। क्लिक नहीं करना मतलब उसके ऊपर माउस को रखना है, उसके ऊपर उसके बाद यहाँ फोल्डर शॉर्टकट बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको बस फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। फोल्डर मतलब तो फोल्डर का नाम रखेंगे कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स का नाम रखेंगे। ये देखिए हमारा कंप्यूटर्स का फोल्डर बन गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। चाहे तो कुछ डालना है तो कुछ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो अब मुझे इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना, जैसे राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही हमें उस कंप्यूटर के ऊपर रखना है और उसके ऊपर राइट बटन क्लिक कर देना है। ठीक है, तो राइट बटन क्लिक करने के बाद ऐसे ऑप्शन आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन रहेगा डिलीट का। ठीक है, तो डिलीट ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ एक ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर इन टू द रिसाइकल बिन। कंप्यूटर्स, उसका डेट, उसका टाइमिंग सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ आपको बस यस क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ देखिए गायब हो गया। आपको इसे स्टार्ट बटन में भी क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ सर्च करके दिखाता हूँ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ सर्च करके भी दिखा दिया, यहाँ दिखेगा नहीं। ये देखिए कॉपी वाला है, यहाँ मैंने डिलीट नहीं किया लगता है, ये कॉपी वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा कॉपी वाला, और यहाँ मैंने बताऊँ कैसे कॉपी हुआ है। ये देखिए रिसाइकल बिन है ना, रिसाइकल बिन में यहाँ देखिए इतने सारे ये है, मैं डिलीट किया है फाइल्स, फोल्डर्स, गेम्स, ये सब डिलीट किया है ना। ये देखिए यहाँ कंप्यूटर्स का है एक ऑप्शन। ठीक है, उसको अगर रिस्टोर करना है आपको, अगर रिस्टोर करना है उसी के ऊपर राइट बटन क्लिक करके रिस्टोर का ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये देखिए एक फाइल का है अब, क्योंकि वो वापस आ चुका है। ये देखिए कंप्यूटर का एक फाइल वापस आ चुका है। ठीक है, तो अगर इसको डिलीट करने का एक और ऑप्शन रहता, मतलब कि लेफ्ट बटन से क्लिक करे बिना, ठीक है, तो राइट बटन से क्लिक किए बिना। ठीक है, तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था जूम ऐप को कैसे यहाँ डाल सकते हैं या वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमें राइट लेफ्ट बटन से इसको स्क्रॉल करना है, उसको यहाँ डाल देना है रिसाइकल बिन में। तो वो डिलीट हो चुका है, ओपन करके देखा। तो अगर हम यहाँ से भी डिलीट करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ ऑप्शन रहेगा डिलीट का, तो अगर हम यहाँ से भी इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरी तरह डिलीट हो जाएगा, कहीं नहीं रहेगा। तो ओके, दिखाता हूँ आपको, डिलीट कर देते हैं इसको, कॉपी कर लेता हूँ, पहले रिस्टोर करना पड़ेगा तभी कॉपी होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा रिस्टोर हो चुका है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा कंप्यूटर कॉपी का, ये देखिए यही तो था यहाँ पे लिखा था कंप्यूटर। ठीक है, यही तो था यहाँ पे, देखिए कंप्यूटर कॉपी। तो यहाँ देखिए अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको रिसाइकल बिन से डिलीट फोल्डर डेट कॉपी कर दिखा रहा है, तो मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा डिलीट हो चुका है, हमारा
कंप्यूटर कॉपी वाला फोल्डर है, तो उसको अगर वापस आना है तो कंट्रोल कर के मतलब ए जेड दाब दीजिए वापस आ जाएगा। यहाँ देखो कंट्रोल प्लस, अगर रिसाइकिल बिन से अगर परमानेंटली डिलीट हो जाता तो यहाँ रिस्टोर वापस नहीं होता। यहाँ देखिए एक ऑप्शन रहेगा रिस्टोर ऑल आइटम्स, मुझे सारे रिस्टोर नहीं करना इसलिए मैं नहीं करूंगा। हाँ बस अंडू यहाँ हो सकता है। ये देखिए अगर मैंने यहाँ इसका एक कॉपी वाला है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया तो यहाँ इसको अंडू कर सकते हैं। ठीक है तो अंडू कंट्रोल प्लस जेड यस क्लिक कर देना, बस हो गया। ठीक है तो ऐसे हम उसको कंप्यूटर कॉपी वाले को मैंने डिलीट कर दिया, तो ऐसे हम कोई भी डिलीट की हुई चीज रिस्टोर कर सकते हैं और रिस्टोर की हुई चीज डिलीट कर सकते हैं। ठीक है तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है तो बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय।